वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। दिल्ली से बहराइच जा रही सवारियों से भरी बस और बालू लदे ट्रक में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस घटना में अभी 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। हादसा सुबह 4 बजे देवा थाना क्षेत्र में राजधानी लखनऊ से सटे किसान पथ पर हुआ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से बहराइच जा रही सवारियों से भरी डबल डेकर बस और विपरीत दिशा में आ रहे बालू के ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना भी है। तो बड़ा हादसा है और मरने वालों की संख्या में इजाफा अभी हो सकता है। कहा जा रहा है कि जहां पर यह हादसा हुआ उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल है। जद्दोजहद के साथ अस्पताल पहुंचाया गया है। सुबह 4 बजे का यह हादसा है। उसके बाद से लगातार प्रशासन यहां पर कोशिश कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि जो घायल है गंभीर रूप से घायल है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं कुछ लोग और लोगों का जो बस में मौजूद थे, जो बोल पा रहे हैं, जो बता पा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, उनका कहना है कि हम लोग रात में सो रहे थे, लगभग सुबह का वक्त है, 4 बजे का वक्त जिस वक्त यह हादसा हुआ और सब लोग गहरी नींद में थे और उसके बाद अचानक ये बड़ा भयंकर मंजर उनके सामने आया और हादसा हुआ जिसमें आमने सामने बस और ट्रक की टक्कर हुई है। हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, लगातार इस मामले को लेकर अपडेट आपसे हम ले रहे हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जो आंकड़ा है मरने वालों का वो क्या कुछ है? पूरा हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? देखिए मेघना, यहाँ पर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल जो अभी जानकारी दी जा रही है वो नौ ही केवल दी जा रही है। जो पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद है, उन्होंने वीके न्यूज को बताया कि 9 लोगों की मौत हुई। लेकिन यहाँ बता दूं, लगातार पोस्टमार्टम हाउस में 2-3 बॉडी और पहुंची है। यहाँ पर 14 जो अपडेट दी गई थी वो है। लखनऊ में भी कुछ लोगों की मौत हुई है, क्योंकि गंभीर हालत में जो लोग लखनऊ पहुंचे उनका अपडेट यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। लेकिन कुछ देर में पूरी सही से अपडेट दी जाएगी। लेकिन मान के चलिए यहाँ पर ऑफिशियल जो अपडेट है वो 9 की है, लेकिन यहाँ 9 से ज्यादा की मौत हो चुकी है मेघना। रविंद्र, फिलहाल आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ हालात आपको नजर आ रहे हैं? एम्बुलेंस कितनी है? क्या सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल मेघना, यहाँ पर घंटों पहले अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। सब गंभीर घायल थे, उनको जो है लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है मेघना। रविंद्र, घायलों को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए मेघना, यहाँ पर घायलों की स्थिति, जो गंभीर घायल है उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जो कम गंभीर है उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है मेघना। और यहाँ पर अभी अपडेट निकलकर सामने आएगी, अभी राहत बचाव कार्य जारी है मेघना। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रविंद्र। तो बाराबंकी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, बस हादसा, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट आई है वो 9 की बताई जा रही है। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या ज्यादा है और जो घायलों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा है। घायल गंभीर रूप से घायल हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। ग्राउंड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि हालात कैसे बने हुए हैं। एम्बुलेंस वहां पर लाई गई, सुबह 4 बजे का यह हादसा है। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया सभी घायलों को। कई लोग गंभीर घायल हैं, अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।